लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान किया। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया है। इससे पेट्रोल 9 रुपए 50 पैसे और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। इस फैसले के बाद अब दिल्ली से लेकर मुंबई तक के रेट में बड़ी गिरावट आई है। राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 72 पैसे और डीजल की कीमत 89 रुपए 62 पैसे हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 111 रुपए 35 पैसे और डीजल के दाम 97 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर हो गई है। चेन्नई में पेट्रोल 102 रुपए 63 पैसे और डीजल 94 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल 106 रुपए 3 पैसे और डीजल 92 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। गाजियाबाद में पेट्रोल 95 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर और डीजल 89 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर पर दर्ज किया गया है। नोएडा में पेट्रोल 96 रुपए 57 पैसे और डीजल 89 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में पेट्रोल 96 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर और डीजल 89 रुपए 76 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। पटना में पेट्रोल 107 रुपए 24 पैसे और डीजल 94 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। गुरुग्राम में 97 रुपए 18 पैसे पेट्रोल की कीमत है और डीजल की 90 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर कीमत है। बेंगलोर में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 94 पैसे है और डीजल 87 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर है। भुवनेश्वर में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 19 पैसे कर दी गई है और डीजल 94 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर है। चंडीगढ़ में पेट्रोल 96 रुपए 20 पैसे की कीमत पर बिक रहा है तो वहीं डीजल 84 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। हैदराबाद में पेट्रोल 109 रुपए 66 पैसे है और डीजल की कीमत 97 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर है। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दामों में ये कमी एक्साइज ड्यूटी घटाने की वजह से आई है, जिसके बाद केरल सरकार ने भी राज्य कर में पेट्रोल पर 2 रुपए 41 पैसे और डीजल पर 1 रुपए 36 पैसे की कटौती की घोषणा की है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है। तो वहीं राजस्थान सरकार ने भी वैट की दरों में कटौती करने का फैसला किया है। राजस्थान सरकार का पेट्रोल पर 2 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 1 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर वैट कम हुआ है। दोनों राज्य सरकारों के इस फैसले के बाद जनता को डबल राहत मिली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा शासित राज्य अपने नागरिकों को वैट कटौती कर राहत देते हैं या नहीं। अगर अन्य राज्य भी वैट कटौती करते हैं तो इससे देश के बाकी के हिस्सों में भी महंगाई से त्रस्त जनता को बड़ी राहत मिलेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।